हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गिरी मोटिवेशन पे। तो आज की ये जो वीडियो है दोस्तों, वो है हमारी एच टेट और सी टेट में साइकोलॉजी से रिलेटेड, जिसके अंदर हम लर्निंग के सिद्धांत, पर्सनैलिटी के सिद्धांत और इंटेलिजेंसी के सिद्धांत को करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले अधिगम के जितने भी सिद्धांत हैं उनसे। फर्स्ट है हमारा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो है वो थोरनडाइक के द्वारा दिया गया। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत IP पेवलोव के द्वारा दिया गया। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत IP पेवलोव। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? CL हल के द्वारा। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत CL हल। अंतर्दृष्टि का सूझ, यानी कि सूझ का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? कोलर और वर्दिमर। और जो थर्ड है वो है कोफ का। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया BF स्किनर के द्वारा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, यानी कि सोशल लर्निंग जो है वो किसके द्वारा दी गई? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। सृजनात्मक अधिगम किसके द्वारा दिया गया? जेरोम ब्रूनर के द्वारा। अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत मैस्लो के द्वारा दिया गया। अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत मैस्लो के द्वारा दिया गया। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन के द्वारा दिया गया दोस्तों। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन। अधिगम का सूचना प्रसाधन कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत एडवर्ड टोलमैन के द्वारा दिया गया। स्थान पात्र सिद्धांत एडविन गुथरी के द्वारा दिया गया। अनुकूलन द्वारा अधिगम हैगटी द्वारा दिया गया। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत ओशवेल के द्वारा दिया गया। अधिगम सोपानिक सिद्धांत रॉबर्ट गेने के द्वारा दिया गया। अधिगम का सूझ का सिद्धांत, यह रिपीट है दोस्तों, कोहलर के द्वारा दिया गया। समान तत्वों का सिद्धांत थॉरनडाइक के द्वारा दिया गया। समानीकरण का सिद्धांत CH जड़ के द्वारा दिया गया। सामान्य तथा विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। मानसिक शक्ति का सिद्धांत फैकल्टी साइकोलॉजिस्टर के द्वारा दिया गया। गेस्टाल्ट सिद्धांत मैक्स वर्दिमर के द्वारा दिया गया। औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण गेट्स के द्वारा दिया गया। मूल्य अभिज्ञान का सिद्धांत रिगर और बैगले के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों अभिप्रेरणा के सिद्धांत, यानी कि मोटिवेशन के सिद्धांत। मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा दिया गया। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल के द्वारा दिया गया, जिन्होंने बताया कि 14 तरीके की उन्होंने बताया है मूल प्रवृत्तियां। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत व्यवहारवादियों के द्वारा दिया गया। व्यवहार के अधिगम का सिद्धांत CL हल के द्वारा दिया गया। आत्मसिद्धि का सिद्धांत मेस्लो के द्वारा दिया गया। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन के द्वारा दिया गया। अभिप्रेरणा का शारीरिक सिद्धांत क्रेचमर सेल्डन विलियम जेम्स विलियम बुंट के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों व्यक्तित्व के सिद्धांत, यानी कि पर्सनैलिटी के सिद्धांत। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? तो मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है वो सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा दिया गया। नव मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत यूंग, एडलर, हार्नी और एरिक्सन के द्वारा दिया गया। जीवन अवधि सिद्धांत एरिक्सन के द्वारा दिया गया। शीलगुण उपागम का सिद्धांत हालपोर्ट और केटल के द्वारा दिया गया। मानवतावादी सिद्धांत मेस्लो के द्वारा दिया गया। सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया।
प्रतिकारक और विश्लेषक सिद्धांत केटल के द्वारा दिया गया। आत्म प्रत्यय सप्रत्यय स्व प्रत्यय सिद्धांत कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया। शरीर गठन उपागम क्रेचमर और शेल्डन के द्वारा दिया गया। व्यक्तित्व का मांग का सिद्धांत हेनरी और मुर्रे के द्वारा दिया गया। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि का एक खंडीय सिद्धांत अल्बर्ट बिने के द्वारा। द्विखंडन सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा। त्रिखंडन सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा। बहुकारक सिद्धांत थोरनडाइक के द्वारा दिया गया। मात्रा का सिद्धांत थोरनडाइक के द्वारा दिया गया। प्रतिमान सिद्धांत थॉमसन के द्वारा दिया गया। पदानुक्रमित सिद्धांत सिरिल वर्ट वेबरमन के द्वारा दिया गया। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन के द्वारा। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत केली के द्वारा दिया गया। बुद्धि ए या बे का सिद्धांत हैब के द्वारा दिया गया। बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत ब्लूम के द्वारा दिया गया। बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया। आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत हेब केटल के द्वारा दिया गया। संज्ञानात्मक मानसिक बुद्धि का सिद्धांत जीन प्याजे के द्वारा दिया गया। स्काय सिद्धांत रीड के द्वारा दिया गया। त्रिअंशीय सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया। धारा प्रवाह तथा स्पष्ट सिद्धांत केटल के द्वारा दिया गया। स्केफोल्डिंग दिया गया दोस्तों ब्रूनर के द्वारा। और स्केफोल्डिंग का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किसके द्वारा किया गया, लेव वाइगोस्की के द्वारा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य करें। मनोलैंगिक सिद्धांत यानी कि विकास के सिद्धांत है नेक्स्ट। मनोलैंगिक सिद्धांत सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा दिया गया। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया। परिपक्वता का सिद्धांत गेसले के द्वारा दिया गया दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे के द्वारा दिया गया। नैतिक विकास का सिद्धांत कोलर वर्ब के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है हमारे भाषा विकास के सिद्धांत। अनुबंधन सिद्धांत पैवलोव और स्किनर के द्वारा दिया गया। सामाजिक अधिगम सिद्धांत बेंडूरा के द्वारा दिया गया। भाषा विकास का सिद्धांत नोम चोम्स्की के द्वारा दिया गया। ये वीडियो आपको एसटेट और सीटेट जैसे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। नेक्स्ट है विस्मृति के सिद्धांत फॉरगेटिंग के सिद्धांत। बाधा का सिद्धांत मूलर और वुडवर्थ के द्वारा दिया गया। दमन का सिद्धांत सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा दिया गया। अनाभ्यास का सिद्धांत थोरनडाइक और एबिंगहॉस के द्वारा दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट है नैतिक विकास के सिद्धांत मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्रॉयड के द्वारा। पुनर्वलन का सिद्धांत स्किनर के द्वारा। अनुकरण का सिद्धांत बांडूरा और वाल्टर्स के द्वारा। नैतिक विकास सिद्धांत जीन प्याजे के द्वारा। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन के द्वारा। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। आत्म सप्रत्यय की अवधारणा विलियम जेम्स के द्वारा दी गई। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन के द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान का सिद्धांत थोरनडाइक के द्वारा। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थोरनडाइक के द्वारा। संयोजनवाद का सिद्धांत थोरनडाइक के द्वारा। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थोरनडाइक के द्वारा। बिने और साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक हैं। बिने और साइमन बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता अल्बर्ट बिने।
बुद्धि का दिव्य शक्ति का सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। समदृष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक दृष्टन व चेब। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी कैटल के द्वारा दिया गया। प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक आरबी कैटल। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्नबर्ग और जॉनसन के द्वारा दिया गया। बुद्धि उपलब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रथम प्रतिपादक विलियम स्टर्न। संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम बुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम बुंट। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन प्याजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे। हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडोगल। मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान बताया पोम्पोनोजी ने। प्रतिस्थापक का सिद्धांत इवन पेट्रोविच पेवलोव के द्वारा। समूह गतिशीलता संप्रदाय के प्रतिपादक लेविन। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक टोलमैन। तो ये हमारी वीडियो थी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में आपको साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लेके आ रहा हूँ कि साइकोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई, जो आपको एस्टेट और सीटेट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। थैंक यू।